नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज भी बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। धड़धड़ करते टूटते चले जा रहे थे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे। आज जैसे ही 22,200 22,180 का स्तर टूटा तो बाजार हो लिया नीचे। आमतौर पर वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक रेंज पे होता है कामकाज, लेकिन नहीं संभल पा रहे हैं। लगातार बिकवाली, FIIs की बिकवाली का प्रेशर, वोलेटिलिटी बढ़ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि बाजार क्यों टूट रहा है और अब आने वाले समय के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बाजार ने जो बेट लगा रखी है वो लोकसभा चुनाव के ऊपर लगा रखी है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आधी से ज्यादा सीटों पे लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और इस समय के जो अंदाजा जो बाजार जो भांप के चल रहा है उससे ट्रेडर्स हो गए हैं थोड़े कॉशियस कि अगर बाजार ने जो बहुत बड़ी बेट लगा रखी थी कि मौजूदा सरकार वापस आएगी, अगर वैसा अगर उतने मार्जिन से वो ना जीत पाए तो फिर बहुत ओवर लेवरेज जो पोजीशंस होती है ना वो छूटती है मार्केट में। जब ऐसा होता है तो मार्केट में एक गिरावट संभवतः आती हुई नजर आती है, वही इस बार भी हुआ है। और ऊपर से FIIs का मूड खराब है। FIIs तो अभी खरीदेंगे ही नहीं, FIIs लगातार बेचते चले जा रहे हैं। मई के आंकड़े हैं नेगेटिव, इस वीडियो में आपको वो मई के आंकड़े बताएंगे। लेकिन FIIs जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, क्लैरिटी नहीं बन जाती, तब तक बड़ी बेट लगाएंगे नहीं। अब वो बात अलग है कि FIIs बेच रहे हैं, DIIs तो खरीद रहे हैं, लेकिन देखिए FIIs जब बेचते हैं तो सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। बाजार के पास कोई नया ट्रिगर अभी है नहीं। हम पहले ब्याज दरों को लेकर कंसर्न हमने देख लिया, ब्याज दर वैसे अमेरिका वालों को समझ में नहीं आ रहा कि घटाना है कि नहीं घटाना इस साल, तो बाजार ने उसको कर लिया है डिस्काउंट। ऊपर से रिजल्ट सीजन ऑन था, लेकिन ज्यादा बड़ी कंपनियों के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं, तो कोई नया ट्रिगर इस समय नहीं बचता। सबसे बड़ा ट्रिगर ऑब्वियसली इलेक्शन रिजल्ट्स ही है, लेकिन अभी और 4 फेजेस के चुनाव जो हैं वो बाकी हैं, तो देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ आउटकम निकल के आता है। पर अगले महीने का जो पहला वीक होगा ना बाजार, उस पर बहुत बड़ा दाव लगाएगा। उससे पहले हल्के होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत जो बन रही है वो है वोलेटिलिटी। इंडिया विक्स आज के दिन का हाई है 19.17 और 23 अप्रैल को ये था 9.85। अब आप समझो 10 से उछल के सीधा 19 का स्तर पार कर गए तो ये करीब करीब बैठता है 94%। पिछले 11 सत्रों में 94% इंडिया विक्स बढ़ा है और जब जब इंडिया विक्स बढ़ा है तब तब तनाव बाजार पर देखने को मिला है। अब ये एक अनफोर्सीन इवेंट को डिस्काउंट करता है इंडिया विक्स और वोलेटिलिटी एकदम से बाजार पर बढ़ जाती है। चढ़ते विक्स में बाजार का गिरना वैसे ही ठीक नहीं समझा जाता और वो इस बार बाजार ने फिर से प्रूफ कर दिया। इतनी जोरदार बिकवाली, क्वांटम ऑफ सेलिंग बहुत ज्यादा है इस समय मार्केट में और चुनाव के नतीजे आने तक ट्रेडर्स हो गए हैं कॉशियस। अब FIIs के आंकड़े धड़ाधड़ बेचते चले जा रहे हैं और मई महीने का आंकड़ा बताता है कि FIIs ने 15,863 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। ये 8 मई तक कर दी थी, तो 9 मई का और आंकड़ा आएगा बाजार बंद होने के बाद, तो वो भी इसमें और ऐड कर लेना। पर फिलहाल का जो आंकड़ा है वो है 15,863 करोड़ रुपए की सेलिंग। DIIs की 11,058 करोड़ रुपए की खरीदारी है। तो बताओ फिर बाजार क्यों नहीं संभला। आप कह सकते हो कि टूटा तो ऊपर से सिर्फ 700 पॉइंट्स ना 800 पॉइंट्स, लेकिन फिर भी DIIs की भी तो खरीदारी थी 11,058 करोड़ रुपए की। FIIs की खरीदारी अच्छा खासा असर डालती है क्योंकि वो इंडेक्स हैवी वेट्स जो होते हैं ना वो FIIs उनमें पोजीशंस बनाते हैं और इंडेक्स हैवी वेट्स जब छूटने लगते हैं उनके हाथ से, जब वहां पर वो बिकवाली करते हैं, तो उसका असर निफ्टी पर डेफिनेटली बनता हुआ नजर आता है। तो ये कहना गलत है कि FIIs की बिकवाली का असर नहीं पड़ेगा। FIIs की बिकवाली का असर पड़ता है इंडियन मार्केट्स पे। अप्रैल 2024 में यानी कि पिछले महीने FIIs ने 35,652 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी और इस महीने का आंकड़ा है 15,863 करोड़ रुपए। FIIs की लगातार 5 सत्रों से बिकवाली होते चली जा रही है। 2 मई को 964 करोड़ रुपए बेचा, 3 मई को 2,392 करोड़ रुपए बेचा, 6 मई को कैश मार्केट का आंकड़ा था 2,169 करोड़ रुपए नेगेटिव, 7 मई को 3,669 करोड़ रुपए नेगेटिव और 8 मई का आंकड़ा है 6,669 करोड़ रुपए की बिकवाली। FIIs की इस क्वांटम की बिकवाली हुई है। तो मई महीने में जैसे ही ऑल टाइम हाई लेवल्स लगाए उसके बाद FIIs ने करा है पोर्टफोलियो हल्का, ऊपरी स्तरों पर कर दिया नेगेटिव। और ये उनका पैटर्न ही है कि वो कभी भी इलेक्शंस के टाइम पे किसी भी कंट्री में बड़ा दाव नहीं लगाते। क्लैरिटी उनको चाहिए, वो प्रीमियम देके खरीद लेंगे लेकिन वो अनसर्टेन मूड माहौल में नहीं खरीदेंगे। अब मई में निफ्टी के शेयर्स जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है, अगर निफ्टी की कंपनियां टूटने लगे तो सोचो क्या हो। और मिसाल के तौर पर मई महीने में अब तक का आंकड़ा है टाइटन का 9% की गिरावट हो चुकी है, L&T में 8.5% का क्रैक पड़ा है, नतीजों के बाद तो ढेर ही हो गया, 5% ज्यादा टूट गया था आज। अदानी एंटरप्राइजेस
8% नीचे है, इंडसइंड बैंक 7% टूटा है मई महीने में अब तक, एचडीएफसी लाइफ 7% टूटा है, डिविस लैब और रिलायंस ये दोनों स्टॉक्स टूटे हैं, डिविस लैब 6.5% टूटा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक करीब करीब 5% टूटा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मई महीने अब तक 5% नीचे है, तो सोचो बाजार का दिग्गज नेगेटिव है। इसके अलावा अब तक जो चढ़े हैं डिफेंसिव बोर्ड पे हो गया मार्केट, तो सबसे ज्यादा चढ़ा है मई महीने में ब्रिटानिया 6.5%, रिजल्ट का इंपैक्ट था, रिजल्ट जैसे मर्जी हो एफएमसीजी में खरीदारी लगभग तय थी होती हुई नजर आएगी। हीरो मोटोकॉर्प नहीं चलता था ये स्टॉक, लेकिन 5% ऊपर हो गया मई महीने में। एचयूएल का स्टॉक 4% चढ़ गया इस महीने अब तक। टीसीएस ने संभालने की कोशिश की, 3.25% ऊपर है। एमएनएम टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स ऊपर है मई महीने में और इन्फोसिस 1.5% के करीब ऊपर है पूरे महीने में अब तक। लेकिन निफ्टी का जो नक्शा है ना वो इस समय बिल्कुल बिगड़ चुका है, ये सेल ऑन राइज वाली मार्केट बनी है, लेकिन ये वोलेटाइल रहेगी। अगर नीचे जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा है, तो फिर दो तरफा चाल देखो आप। अभी तो हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगर एक दो फेजेस के इलेक्शंस और हो जाए तो क्या पता निचले स्तर से बहुत ही तगड़ी आप एक शार्प पुल बैक भी देखो, तो ये अनसर्टेन माहौल है। इसमें मंदी करने वाले भी डरेंगे, लेकिन अभी जीत मंदी करने वालों की हो गई फिलहाल। तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार को तोड़ा, निफ्टी ने जैसी आज 22,180 22,200 का स्तर तोड़ा, उसके बाद नीचे हो लिए, ये इंपॉर्टेंट स्तर था, इसको बचा के रखा हुआ था, लेकिन आज तोड़ दिया। निफ्टी की 50 दिनों की औसत के नीचे इस समय कामकाज हो रहा है, 50 दिन की औसत टूट गई है, कॉल राइटर्स हावी हैं। एलएनटी का शेयर आज भयानक टूटा है पोस्ट रिजल्ट्स 5.5% ज्यादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 2% के करीब नीचे। आईटीसी का शेयर आज करीब करीब 2.5% नीचे है। तो ये हैवी वेट्स हैं, इनकी वजह से बाजार पे आज बहुत असर आता हुआ नजर आया। एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, फाइनेंशियल, कोई नहीं बच रहा था, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में टूटे। अब आगे क्या होगा? देखिए फिलहाल तो मंदी करने वालों का जोर है ज्यादा, बुल्स के पास ताकत उतनी है ही नहीं, कोई भी उछाल आएगा तो उसमें बिकवाली होगी। जब तक विक्स ठंडा नहीं होता, कूल ऑफ नहीं होता, तब तक आप बाजार में स्टेबिलिटी या फिर कोई बहुत बड़ी चाल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हाँ ये भी है कि ऑप्शंस प्रीमियम एकदम से बढ़ जाएंगे, विक्स जब बढ़ा हुआ है तो वोलेटिलिटी जब बढ़ी हुई है तो ये ऑप्शन राइटर्स अगर सही दाव लगा गए हायर साइड पे, तो फिर प्रीमियम्स खाने की अपॉर्चुनिटी है। और प्रीमियम्स खाना मतलब ऊपरी स्तरों पर वो ऑप्शंस अगर बेचकर चलेंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन विक्स कहां पर जाके रुकेगा ये नहीं ना पता, तो ये है इंडिसीजन। क्या पता अभी 17, 18, 19 है, ये 24 हो जाए तो, 25, 26, 27, 28, 30 हो जाए तो, 2019 में 30 के लेवल पे पहुंच गया था, कोविड के टाइम पे 85 के लेवल पे पहुंच गया था, कहीं ना कहीं जाके अटकेगा ये। 30 का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, 26, 27 का लेवल बहुत ज्यादा जो हो जाएगा इसके लिए अगर वहां पर आता है तो वहां पर ऑप्शन राइटर्स हिम्मत करेंगे फिर से? अभी नहीं करेंगे, अभी फिलहाल इनडिसीजन वाला मूड माहौल है और ये बाजार डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो यहां पर अभी हिचकोले खाते खाते सेल ऑन राइज वाली मार्केट बनी रहेगी। बस किसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड कर जाएं। ये 22,000 का जो स्तर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम आ गए हैं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर बच गए तो ठीक, नहीं तो फिर यहां से और नीचे। फिलहाल 50 दिनों की औसत टूटना तो अच्छा संकेत है नहीं, आज 50 दिनों की औसत तोड़ दी है, अब 22,300-22,400 के लेवल को ऊपर टापना मुश्किल हो जाएगा। नीचे 21,700-21,800 ये अगला पड़ाव बैठता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 अप्रैल का निचला स्तर यानी कि पिछले महीने का निचला स्तर है 21,777 और 20 मार्च का निचला स्तर है निफ्टी पे 21,710 और यही पिछले दो महीने के लोज हैं। तो ये जो लेवल है 21,700 से लेकर 21,800 वाली जो रेंज है ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर तो बाजार ने इसको इलेक्शन से पहले रिस्पेक्ट नहीं किया तो बहुत तीव्र गति से नीचे जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यही समझ रहे हैं कि 21,700-21,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने वाला है। और उससे पहले जैसे मैं बताया ये 22,000 का स्तर भी इंपॉर्टेंट है। एक और आंकड़ा आपको बता दूं कि निफ्टी की 20 हफ्तों की जो औसत है वो है 21,898 21,900 लगा लो मोटा मोटा, और अक्टूबर 2023 के बाद से निफ्टी ने 20 हफ्तों की औसत जो है वो नहीं तोड़ी, उसके नीचे नहीं गए हैं। तो इसलिए जिस लेवल पे आ गए ना 21,700-21,800 का स्तर बाजार के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं बुल्स यहां पर थोड़ी बहुत हिम्मत करते हैं कि नहीं, कि हम ये लेवल्स बचा जाएंगे। अभी चुनाव का मध्य ही हुआ है और अभी तो इलेक्शंस बाकी हैं, लेकिन वोटर टर्नआउट को लेकर बाजार थोड़ा इस समय थोड़ा कंफ्यूज हो रखा है, क्योंकि वोटर टर्नआउट इतना हुआ ही नहीं है इस बार जितना कि बाजार अनुमान लेकर चल रहा था। तो इस समय थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है और ये फेज पार जरूर हो जाएगा। आपका हमारा काम है नियमित रूप से निवेश करना। ये इस समय जो ओवर लेवरेज पोजीशंस होती है ना वो बाजार में छूटती चली जाती हैं अगर आप ऐसे दिन पर दिन लोअर हाइज बनाते चले जाओ तो।
फिर कहूंगा बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गया है, 22,000 का स्तर है। उसके बाद कुछ आंकड़े मैंने बताए जिसमें 1,700 से लेकर 22,000 का जो लेवल है, रेंज है, वो बहुत ही अच्छी एक रेंज है। देखते हैं यहाँ पर बाजार स्टेबल होने की कोशिश करता है कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े हैं बिजतक के साथ। नमस्कार। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहाँ आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।